हेलो, राम राम जी। स्वागत आज के नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविताज ब्लॉग में। मैं इस टाइम हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों आई तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो इस टाइम बज रहे हैं 5 और पेशेंट है नहीं बेड पे, क्योंकि पेशेंट गया बाथरूम में। और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होने कारण तो प्राइवेट रूम मिला नहीं था, और ये सेमी प्राइवेट रूम था जिसमें से 2 बेड थे और 1 ही बैठने का था। तो इसमें वार्ड में भर्ती हुआ है, देखो ये सामने बेटा मेरा, इसको हो गए थे उल्टी दस्त और बुखार। बुखार 104 डिग्री बुखार था और उतरने का नाम ही नहीं लेता साथ में, और था सिर में दर्द। तो डॉक्टर बोले भी एडमिट कर लो। हेलो, राम राम जी। स्वागत आज के नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविताज ब्लॉग में। हल्की फुल्की सी ठंड आ चुकी है तो सवेरे शाम का ये निकाल लिया। और सब कैसे हो? ठीक ठाक? हम भी ठीक ठाक है। तो आज है संडे और बेटा और अकल का बीमार एडमिट कर रखा है। एकदम से उल्टी दस्त और बुखार शुरू हो गया कल रात को। तो कल दिन में डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोले भी एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी पानी की कमी होने के कारण ग्लूकोज से पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और बाकी बुखार नहीं टूट रहा था, सिर में दर्द नहीं कम हो रहा था, तो रात को ही हुआ वो कम। तो 24 या 36 घंटे तो रखते ही हैं। और कल तो मैं चली गई थी शाम के टाइम हॉस्पिटल में, आज नहीं जा पाई क्योंकि सरपंच जी का इलेक्शन आ रहा है। और मेरा घर अपने दुकान पर होने के कारण तो यहाँ पे सभी आते हैं गांव से, तो चाय पानी दिन में 2-3 पार्टी तो आ ही जावे, 2 तो पक्की आवे हैं। कल भी 2 आई थी, एक मैं अटेंड करके गई थी, एक पीछे से अटेंड करी। पीछे से चाय पानी बनाने वाला कोई नहीं होता, फिर ये अपना बना के देनी पड़ा इन्हें, तो आज मैं इसलिए रुकी हूँ और इन्हें अटेंड करने पड़े हैं। तो हम दोनों में से कौन से नहीं जा सकते। तो कल भी इनके पास कई फ़ोन गए, तो एक टाइम पे थे पार्टी के टाइम पे, दूसरी पे के टाइम पे नहीं थे, पैलडी के टाइम पे नहीं थे, दूसरी पे थे। पैलडी के टाइम पे तो एडमिट चल रहा था बेटे का, तो भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो दूसरी बार आ गए थे, फिर मैं नहीं थी दूसरी बार। पहली बारी में चाय पानी दे दिया था बना कर, दूसरी बारी में फिर इन्हें खुद बनाए पे। फिर मैं शाम को आई 6:30 बज गए थे, 6-6:30 बजे ही। फिर आकर देखा बहुत कप गिलास सिंक भरी पड़ी बर्तनों की। फिर मैं आज यही हूँ, वहाँ फिर बाद में देखेंगे जाएंगे जाऊँगी। तो असल में अब इतना बड़ा हो चुका है और प्राइवेट रूम में संभालने वाले आते रहे और इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो मैं फ़ोन कर करके पूछती रहती हूँ हर घंटे भी कुछ ज़रूरत हो तो। खाना पीना उसका कम ही है, क्योंकि जो दस्त लग रहे हैं तो उसमें खाना पीना जो हॉस्पिटल में देते वही है। घर से रात खिचड़ी दी थी थोड़ी सी, उसमें तब 2 चम्मच खाई खाने नहीं दी, बस जूस वगैरह ये लेके जावा, पानी घर का ही लेके जाते हैं। तो शाम में देखूंगी, 3 तो बज गए हैं अभी काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। बस अभी चाय बनाई थी तो आगे थे नीचे पानी पुनी दिया। मैं भाई चाय और पूछ लेना, चाय शायद पीते नहीं। तो अब पता नहीं क्या दिन चला गया, इतना वोट नहीं पड़ते, इतना तो 2-4 दिन चलेंगे ही हैं पंचायती वाले हैं जो सरपंच के हैं। तो अब मैं वेट ही कर रही थी, मैं कोई आएगा तो बना देंगे, पानी तो जा लिया। तो मैं थोड़ी बातचीत की जाए आप लोगों से, ये वीडियो कैसी लगती हैं ज़रूर बताना कमेंट करके ना। और जो नए आते हैं चैनल पे, पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आगे। हेलो, राम राम जी। स्वागत है कल वाले व्लॉग में, क्योंकि कल का ही व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है तो आगे कोई शूट नहीं किया था। बेटा हो रहा बीमार बताया था आप लोगों से, तो मैं कल गई थी हॉस्पिटल में शाम के टाइम, उसके दोस्त आ रहे थे तो इसलिए कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और अब त्यार आज छुट्टी मिलनी थी, लेकिन डॉक्टर लगे कहन भी आज आज और रख दो, कल आज टेस्ट करेंगे, कल दे देंगे छुट्टी। तो मैं जा रही हूँ, नहीं ऐसे वहाँ जाने का प्लान नहीं था,
छुट्टी तो मिल ही रही है, क्या करूँगी, जा करना है तो करीब जाऊंगी। टाइम टाइम हो रहे हैं 4:30 हो रहे हैं, तो मैं बल्कि ना काम कर रही थी। चलो फिर मैं आके देखूंगी, मैं एक बार जा आऊँ। उसके पास रुकने की तो जरूरत होती नहीं, क्योंकि बड़ा भाई छोटा बच्चा तो है नहीं ना, कोई न्यू अभी इतनी वो दिक्कत है, तो इस करके ना बस दोस्त दास्त मिल जाए। दिन में 2-4 चक्कर काटे वहां, तो दिखाती हूँ आप लोगों से मैं क्या काम कर रही थी यार, जो बीच में छोड़ के चल पड़ी। रखे है ये गर्मियों का गत्तण, तो उनको समेट रही थी जो गर्मियों के, मैं रख दूँ, और जो जैसे अब पैरने की हैं सिल्क वगैरह के, ये निकाल लूँ। तो कुछ अगर तो प्रेस कर ली थी, कुछ रह रहे हैं तो प्रेस करके ये रखने थे। तो देखती हूँ आने के बाद, अगर टाइम पाएगी तो करूँगी थोड़े बहुत, नहीं आई तो कल देखेंगे। तो इब बीच से के निकालने हैं, ना गर्मी ना सर्दी, बीच से के निकालने हैं, मैं निकालूंगी। और जो से बीड़े हो रहे हैं वो खोलूंगी। जैसे कि मेरा 2 साल पुराना सूट है, और वैसे के वैसा पड़ा, लेकिन ये थोड़ा टाइट हो गया, मैं मोटी होंदी जाने लग रही हूँ। ये देखियो किस तरह पेट हो रहा, तो ऊपर तो आ गया ठीक, थोड़ा पेट पता टाइट हो गया, ये खोलने पड़ेंगे कादे। और एक वो पीछे पीला टंग रहा वो खोल लिया है, और कुछ ये सर्कल प्लाजो है, ये घर तो ठीक है, लेकिन स्कूटी स्काटी बचल है तो जावा चौथी कूण में तो इनको थोड़ा बीड़ा करवाऊंगी। और ये फ्योना के कपड़े हैं, 2-2 साल के पड़े हैं, जो ही फ्योना ही भी पिट रहा, तो इन्हें थोड़ा हा लूज करवाऊंगी, करूंगी ये जम्फर लूज करूंगी, और ये प्लाजो थोड़े भीड़े करूंगी। लोग यहाँ की जीवन में भी झंझट से झंझट पड़े रहो, आगे थोड़े पतली हो जाए, खुश हो जाए, थोड़ी मोटी हो जाए, टेंशन में आ जाए, हम मोटे हो गए, सूट भीड़े हो गए, ये चलता रहा सारा दिन मेरे साथ भी यही हो रहा है तो चलो मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में जाके आगे। क्या मैं आज है 3रा दिन, और मैं इस टाइम हॉस्पिटल में आई हूँ, 4:30 बजे से आई थी, और ये मेरे को सुत्या मिला। मैं इसके पास 1-1.5 घंटा बैठ के ऐसे ही आ गई, ना तो कोई काम था ना, और बस बैठी रही। तो बस यही थे आज के व्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में।